आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन नंबर पास गिवन ए। ए सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4, कोमा बी। बी सेट है जिसके एलिमेंट आपके पास चल रहे हैं 2, 5, 6, 7। आपको बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अ मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। ना मैपिंग मतलब फंक्शन की बात चल रही है, और वो भी कहां से कहां तक, बी से ए में। आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, ये एफ लिया आपने, और वो भी किससे, बी से ए में फंक्शन डिफाइन करना, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइन करने से पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपके पास ये कोई सेट है बी, है ना, और ये सेट है ए, और बी और ए आपको एलिमेंट भी पता, तो एलिमेंट भी नोट करना 2, 5, 6, 7, और इधर चल रहा आपके पास 2, 3, 4, ठीक है, और ये फंक्शन है। तो देखो आपके पास f जो रिलेशन है बी से ए में, वो फंक्शन होगा कब, जब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की आपके पास वन एंड ओनली वन इमेज आए, किसमें, ए में। मतलब केवल और केवल ए की इमेज आनी चाहिए ए में, क्लियर। एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कैपिटल ए। अगर आपके पास ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब ये f आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा, मैपिंग होगा, ठीक है। तो आप इसमें कैसा भी फंक्शन बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास बनेंगे, है ना। या तो मैं सिंपल इस टाइप से बनाता हूँ, देखो आगे वाला जो सेट है ना बी, इसमें कोई नहीं छूटना चाहिए, पीछे छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। क्या तो सिंपल मैं ऐसा फंक्शन बना लेता हूँ जो आपके पास इवन नंबर है, जैसे 2 और 6, तो 2 और 6 की इमेज तो दे देता हूँ मैं 2, है ना, और 5 और 6 की इमेज दे देता हूँ मैं कितनी, 3 ओड की। कैसा भी फंक्शन बना सकते हो, बस हर एलिमेंट की एक इमेज आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 की इमेज मैंने ले ली 2, और 4 की इमेज भी मैंने, या 6 की इमेज भी 2 ले ली। ऐसे 5 की बात करें, 5 की इमेज 3 ले ली, ओड की ओड, और 7 की भी 3 ले ली, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक मैपिंग हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ देख लो। ये हमने फंक्शन यहाँ डिफाइन किया, एफ एक्स इक्वल टू, डिफाइन फंक्शन बताया मैंने, यहाँ पे तो लिखा हमने इफ एक्स इज इवन। तो एक्स अगर इवन फंक्शन होगा तो एफ एक्स इक्वल होगा किसके, 2 के, और इफ एक्स इज ओड तो एफ एक्स इक्वल होगा किसके, 3 के। ये आपने यहाँ पर फंक्शन क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। इस फंक्शन डिफाइन किया, ये जो एफ चल रहा है आपके पास वो कैसा चल रहा है, बी से ए में चल रहा ना, तो ये भी आप पहले ही बता दो, फंक्शन एफ बी से ए में डिफाइन है सच दैट, और कैसे डिफाइन है, ये डिफाइन हो रहा आपके पास, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप इसको लास्ट में सेट की फॉर्म में भी लिखना चाहते हो, फंक्शन क्या, फंक्शन भी एक सेट ही है, सेट की फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये एफ एक्स आपके पास जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा देखो आप, हाँ 2 की इमेज कितनी है, 2 इवन नंबर है, तो ऐसे 5 की बात करें, है ना, बी से ए में चल रहा ना 5 क्या, ओड, तो 5 की इमेज क्या चल रही, 3, फिर 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 इवन नंबर है, इमेज क्या आएगी, 2, और लास्ट में क्या है, 7 ओड नंबर है, इसकी इमेज क्या आएगी, 3, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर फंक्शन जो है ये कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ऐसे लिखोगे, और ये सेकंड लास्ट, ये लास्ट लास्ट में जो लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है, क्लियर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।